Dear students, Assalamu Alaikum. Today, we are going to cover different topics. We have to discuss different recent trends in IT projects. Then, we will discuss project management process groups, and the main part of our today's lecture is. Project integration management and what is project integration management and what are the key processes of integration management. First of all, we start with the recap of last lecture. We discussed in our previous lecture about the systems philosophy. System philosophies may is discussed k when we are टॉकिंग अबाउट अ थिंकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट वी वी नीड टू फोकस ऑन द मल्टीपल परस्पेक्टिव ऑफ द प्रोजेक्ट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं हमें उन डिफरेंट सिस्टम्स के ऊपर सोचना होता है और देखना होता है राधर देन के टर्नल विजन के साथ हम प्रोजेक्ट को देखें तो प्रोजेक्ट मैनेजर्स और स्पेशली जो टॉप जो मैनेजमेंट होती है दे हैव टू अंडरस्टैंड एंड दे हैव टू लुक आफ्टर फॉर द सिस्टम्स परस्पेक्टिव और फिर उसके अंदर हमने देखा कि थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम्स आर परस्पेक्टिव आर क्वाइट इम्पॉर्टेंट द फर्स्ट वन वॉज द बिजनेस कि बिजनेस के एस्पेक्ट से हमने देखना है कि क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट है फिर हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का पर्सपेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोजेक्ट को एनालाइज करना और उसकी फिजिबिलिटी को देखना एंड थर्डली टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव में टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना कि कैसे टेक्नोलॉजी के परस्पेक्टिव में देखना कि कैसे टेक्नोलॉजी जो है हेल्प आउट uh, करती है प्रोजेक्ट के अंदर और प्रोजेक्ट के अंदर टेक्नोलॉजी किस तरह से अफेक्ट करेगी देन वी डिस्कस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम्स और हमने बात की थी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की और इसका अपना एक इम्पेक्ट होता है प्रोजेक्ट की सक्सेस के ऊपर एंड वी डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेम्स फर्स्ट वन वाज द स्ट्रक्चर और डिफरेंट स्ट्रक्चर हमने देखे थे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का उसकी हेरकी का और देन वी डिस्कस्ड अबाउट द मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जो कि मिक्सचर था या हाइब्रिड था फंक्शनल का और प्रोजेक्ट का और उसके अंदर भी फर्दर हमने डिस्कस किया था कि वीक स्ट्रांग और बैलेंस्ड मैट्रिक्स फिर हमने एच फ्रेम की बात की थी कि कैसे एच जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एच का डिपार्टमेंट होता है या जो फ्रेम होता है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन नीड्स को और इंडिविजुअल की नीड्स को फोकस करता है फिर हमने पॉलिटिकल फ्रेम की बात की थी कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ उसके अपना एक पॉलिटिकल कल्चर होता है एक पॉलिटिक्स होती है और वो किस तरह से प्रोजेक्ट को अफेक्ट करती है पॉजिटिवली और नेगेटिवली इसको हमने डिस्कस किया था एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द सिम्बॉलिक फ्रेम और सिंबॉलिक फ्रेम में हमने देखा था कि क्या डिफरेंट सिंबल्स हो सकते हैं मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट सिंबल्स के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं और इसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था फिर उसके बाद हमने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की बात की और उसके अंदर हमने उसको डिवाइड किया फोर मेन फेजेज में एक एक जेनेरिक जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल है उसकी बात की हमने उसमें देखा कि कॉन्सेप्ट फेज़ होती है डेवलपमेंट फेज देन इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनली क्लोज आउट फेज और फिर हमने कुछ रीजंस डिस्कस की कि व्हाई आईटी प्रोजेक्ट्स आर कम्प्लेक्स और इसको हमने देखा कि डिफरेंट डोमेन्स हैं वाइड एप्लीकेशन है आई प्रोजेक्ट्स की और इस तरह से और हर जगह आई की इन्वॉलमेंट है तो आई टी प्रोजेक्ट्स जो है डेफिनेटली कम्पलेक्स हैं इसकी इसकी नेचर कम्पलेक्स है क्योंकि टेक्नोलॉजीज भी आए रोज चेंज होती रहती हैं तो आज हम यहीं से अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि आई टी प्रोजेक्ट्स तो हमने अंडरस्टैंड किया कि कंप्लेक्स हैं और इसके डिफरेंट फैक्टर्स देखे अब हम देखने जा रहे हैं कि अभी रिसेंट क्या ट्रेंड्स हैं और इस पर हम थोड़ी सी बात करते हैं सो द फर्स्ट टॉपिक फॉर टूडे लेक्चर इज ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन से क्या मुराद है और आजकल एक टर्म आपने बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि हमारी जो दुनिया है आवर वर्ल्ड इज़ लाइक अ ग्लोबल विलेज वाई वी से इट के हमारे जो कम्युनिकेशन है बहुत फास्ट हो गई है ड्यू टू एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी और हमारे उस तरह से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना कोऑर्डिनेट करना रिलेटिवली इजी हो गया है तो इसी तरह से और देखें कि जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पॉलिसीज़ हैं वो भी काफ़ी रिलैक्स्ड हैं या काफ़ी उसमें आसानियाँ हो गई हैं एंड दैट इज़ आल्सो वन मेजर रीज़न के ग्लोबलाइजेशन का फिनमोना जो है उस इमर्ज हुआ है हमारे जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के और डिफरेंट तरह के जो हमारे जो डिफरेंट वर्किंग रिलेशनशिप्स हैं उसकी वजह से जो ट्रेड के रिलेशनशिप्स हैं वो वो जो है उन्होंने इस चीज़ को हेल्प आउट किया है कि ग्लोबलाइजेशन की तरफ हम जाएं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर रहते हुए हम एक साथ करें और डेफिनेटली जैसे कि मैंने पहले कहा कि आईटी जो है वो की इनेबलर है जो टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमारी एडवांसमेंट है वो एक की फैक्टर है जिसने इस सारी चीज़ को पॉसिबल किया है ठीक है तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से आई प्रोजेक्ट्स जो है वो काफ़ी मतलब नेचर उनकी चेंज हो गई है राधर uh, दिन कि आप एक ही जगह पे हों और अपने सारी प्रोजेक्ट टीम के साथ डील कर रहे हों तो आप डिफरेंट जगहों के ऊपर आपकी टीम्स हैं और आपके प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल है प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है बड़े एफिशिएंटली देखना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन कैसे होगी और अफेक्टिव कम्युनिकेशन को मेक श्योर करना पड़ेगा एंड सेकेंडली क्योंकि डिफरेंट जगहों के ऊपर टीम्स होंगी डिफरेंट जगहों के ऊपर ऑफिसर्स होंगे तो उन टीम मेंबर्स का और प्रोजेक्ट मेंबर्स का आपस में रिलेशनशिप और ट्रस्ट डेवलप करना होगा इट इज़ आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर और फिर उसके बाद वी हैव टू डेवलप द कॉमन वर्क प्रैक्टिस क्योंकि अगर डिफरेंट जगहों पर हैं तो डिफरेंट लोकेशन के ऊपर जो है वो टाइमिंग का डिफरेंस होगा कल्चरल का डिफरेंस होंगे और इसी तरह से और डिफरेंट इश्यूज़ हो सकते हैं तो हमें एक कॉमन वर्क प्रैक्टिसेस की तरफ जाना होगा और फाइनली जो डिफरेंट आज के मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स हैं उसको इफेक्टिवली यूज़ करना पड़ेगा सेंसिबली यूज़ करना पड़ेगा उसके बगैर ग्लोबलाइजेशन नहीं होगी इस स्लाइड में एक स्टडी को डिस्कस किया गया है केपीएमजी इंटरनेशनल एक स्टडी कंडक्ट की और 600 हंड्रेड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया सर्वे किया और फिर अपनी एक जो है 600 हंड्रेड की स्टडी की बेस के ऊपर कुछ फाइंडिंग्स दी कुछ सजेशंस दी और वो सजेशन जो है उसको हम देखते हैं वन बाय वन उसमें है फर्स्ट वन ग्रेटर प्रोजेक्ट डिसिप्लिन इफ़ यू हैव मल्टीपल टीम्स दैट आर लोकेटेड एट डिफरेंट रीजन्स तो हमें एक प्रोजेक्ट डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा वी हैव टू मेक श्योर के एक मिनिमम लेवल होगा जिसके ऊपर चीज़ों को प्रोजेक्ट को मेंटेन किया जाएगा दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्ट डिसिप्लिन एंड सेकेंडली थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल कि हमें ग्लोबल प्रस्पेक्टिव में देखना होगा अपने प्रोजेक्ट को लेकिन स्टिल वी हैव टू एक्ट लोकली कि लोकल जो स्नैरियो है जो लोकल जो हमारी रियलिटीज हैं किसी भी स्पेसिफिक साइट के ऊपर उसको सामने रखते हुए हमें अपने टास्क को करना होगा देन थर्ड वन इज़ कोलेबोरेशन ओवर स्टैंडर्डाइजेशन वट डज़ इट मीन अगेन के आपने जब कोलेबोरेट करना है डिफरेंट टीम्स ने डिफरेंट ऑफिस uh, uh, ने डिफरेंट लोकेशन के ऊपर तो हमें कुछ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस चाहिए होंगी कोलेबोरेशन के लिए और वी हैव टू हैव सम स्टैंडर्ड और उसको फॉलो करते हुए कोलेबोरेशन करनी होगी और देन वी हैव टू कीप द प्रोजेक्ट मोमेंटम अगर हम चाहते हैं कि स्पेशली जब प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के हैं तो प्रोजेक्ट मोमेंटम को जो है सॉरी uh, अगर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्ग ड्यूरेशन के हैं तो हमें प्रोजेक्ट मोमेंटम को जो है वो कंटिन्यूसली जो है मूविंग उसमें रखना होगा अदरवाइज जो है वो प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ जाएंगे और सिमिलरली जो भी नई टेक्नोलॉजीज हैं जो नए इनोवेटिव टूल्स हैं कम्युनिकेशन के लिए कोलेबोरेशन के लिए वी हैव टू यूज़ दैम दरवाइज जो है इतनी इफेक्टिव कम्युनिकेशन और कोलेबोरेशन नहीं होगी तो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और टूल्स जो है वो अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आईटी प्रोजेक्ट्स को डील करना आईटी प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना इज क्वाइट इजी टास्क अब हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग की वट इज आउटसोर्सिंग आउटसोर्सिंग की टर्म आपने सुनी होगी कई दफ़ा और वट डज इट मीन वेन वन ऑर्गेनाइजेशन इक्वायर सम सर्विसज़ आर गुड्स फ्राम अदर ऑर्गनाइजेशन इट इज़ कॉल्ड आउट सोर्सिंग और समटाइम्स ऑफ ऑफ शोरिंग भी आपने टर्म सुनी होगी सो वट डज इट मीन कि ऑफ़ शोरिंग क्या है ऑफ शोरिंग वन वी गेट सर्विसज फ्राम एन अदर कंट्री रिमोटली किसी और कंट्री से हम जो है सर्विस लेते हैं तो उसको ऑफ शोरिंग कहते हैं और क्यों लोग जो है आउट सोसिंग की तरफ या ऑफ शोरिंग की तरफ जा रहे हैं द ऑबियस रीजन इज द रिड्यूस्ड कॉस्ट क्योंकि अगर सपोज करते हैं कि एक आईटी प्रोजेक्ट है जो कि यूरोप में कोई फर्म करना चाह रही है तो जो यूरोपियन मार्केट है जो यूरोपियन लेबर है वो इतनी चीपर नहीं है एज़ कम्पेयर टू एशियन मार्केट तो अगर वो अपना प्रोजेक्ट आउटसोर्स करती हैं इन एशियन कंट्रीज़ तो डेफिनेटली वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर रही हैं तो इसीलिए आपने ये रिसेंट टाइम्स में ट्रेंड देखा होगा कि जो जो वेस्ट की कंपनीज हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को आउटसोर्स करती हैं या ऑफ जो प्रोजेक्ट्स वो देती हैं इन डिफरेंट एशियन कंट्रीज स्पेशली जो इंडियन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो और जो चाइनीज मार्केट है ये जो बड़े आ, बहुत ज्यादा एक्टिवली इसमें काम कर रहे हैं ऑफ या आउटसोर्सिंग जो है वो अपनी जगह पे एक पॉसिबल uh, एडवांटेज है यूजिंग द रिसेंट आईटी टेक्नोलॉजीज़ फॉर द कंपनीज लेकिन इसके साथ साथ कुछ इसके अपने प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स क्या हैं द फर्स्ट वन इज़ इंटीग्रेशन कैसे होगी डिफरेंट लोकेशन के ऊपर टीम्स काम कर रही हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट मेम्बर्स हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज अब उनकी उनके लिए देखें डिफरेंट अगर को ही कंसिडर किया जाए तो डिफरेंट ऑफिस हैव डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसेसिस डिफरेंट आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब हो सकता है कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक आउटसोर्स कर रही है प्रोजेक्ट उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बेहतर हो एज कंपेयर टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज गेटिंग दैट ऑफ श्योर प्रोजेक्ट तो इसको इसको मेक श्योर sure करना पड़ेगा कि दोनों के पास रीजनेबली एक एक ही तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है यह कंपैटिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक सेटअप प्रोसेस है जिसको लेके वो आगे अपने काम को चला सकते हैं और फिर सेकेंडली नेगोशिएशन बिटवीन बोथ पार्टीज के जो ऑफ कर रही है प्रोजेक्ट और जो ले रही है प्रोजेक्ट जो बिजनेस ले रही है उनको आपस में निगोशिएट करना होगा फॉर कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्किंग प्लान्स ऑफ मैनेजिंग वर्चुअल टीम्स वर्चुअल टीम्स क्या है इसको हम आगे डिस्कस करते हैं और वर्किंग प्लान को भी देखें कि वर्किंग प्लान में हम जब बात करते हैं तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि डिफरेंट कंट्रीज में हैं उनके अपने अपने पब्लिक हॉलीडेज होंगे और ज़रूरी नहीं है कि वो मैच करते हों इसलिए हमें एग्रीड अपॉन जो है वर्किंग प्लान बनाने होंगे तो हम अब अब देखते हैं आगे नेक्स्ट स्लाइड में कि वर्चुअल टीम्स क्या है ओके okay, जब हम वर्चुअल टीम्स की बात करते हैं तो विचुअल टीम्स ऐसी टीम्स हैं ऐसे ऐसी प्रोजेक्ट टीम्स हैं जो कि रिमोट लोकेशंस के ऊपर हैं। इसलिए हमने वर्ड उसके लिए वर्चुअल टीम का यूज किया है डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं लेकिन लोकेशन जो है वो रिमोट है तो इसलिए वर्चुअल का वर्ड है एक टास्क जो है वो कॉमन हो सकता है लेकिन लोकेशन डिफरेंट होगी और ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही कंट्री में डिफरेंट लोकेशन के ऊपर हों ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि एक ही कंट्री के अंदर डिफरेंट लोकेशन हों और इट इज़ आल्सो क्वाइट पॉसिबल जो अभी मैंने ऑफ शोरिंग की बात की कि उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ इन्वॉल्व होते हैं तो डिफरेंट टीम्स जो है मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर काम कर रही हूँ तो वो विचुअल टीम्स कहलाएंगी एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर मुख्तलिफ टीम्स काम कर रही हैं और डिफरेंट जगहों के ऊपर इसके पॉसिबल एडवांटेजेस क्या हैं कम्पटिटिवनेस वट डज इट मीन यू यू योर मार्किट इज ओपन ठीक है you, you, open, आप ग्लोबल मार्किट में हैं आपको कम्पटिटिव रिसोर्स चाहिए ह्यूमन रिसोर्स यू कैन गेट कंपटिटिव रिसोर्स और रिलेटिवली चीपर भी होगा और सिमिलरली रिस्पांसिवनेस के आप डिफरेंट जियोग्राफिक लोकेशन के ऊपर ट्वेंटी फोर सेवन को मेक श्योर sure कर सकते हैं डिफरेंट टाइम रीजन्स हैं तो डिफरेंट टाइम रीजन्स के ऊपर लोग जो है काम करेंगे तो एक तो वो उनकी रिस्पॉन्सिवनेस पड़ेगी डिफरेंट जो टाइम ज़ोन्स की वजह से और प्लस उनकी अवेलेबिलिटी भी उसी तरह से ज़्यादा होगी फिर जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको कंपेयर कंपेयर कर सकते हैं आप एशियन मार्केट को और यूरोपियन मार्केट को तो एशियन मार्केट के अंदर जो आपकी आईटी लेबर फोर्स है वो एज़ कंपेयर टू यूरोपियन मार्केट्स चीपर है और इवन आपको कोई ऑफिस स्पेस नहीं चाहिए आईटी प्रोजेक्ट्स के अंदर आईटी वर्कर्स जो हैं वो इवन अपने घरों के अंदर बैठ के अपने प्रोजेक्ट अपनी टीम के लिए अपने ऑर्गनाइजेशन के लिए काम कर सकती हैं और ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है ह्यूज एक एक बेनिफिट है एंड अगेन प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं दे हैव टू मेक श्योर दे हैव टू क्रिएट द बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ जो कमिटमेंट्स हैं जो टीम मेंबर्स हैं उनके लिए एक बैलेंस स्कीम होनी चाहिए ताकि वो मैनेज कर लें प्रॉपरली अपनी फैमिली लाइफ अपनी पर्सनल लाइफ और अपने प्रोजेक्ट टास्क को और प्रोजेक्ट वर्क को या कमिटमेंट्स को ओके पॉसिबल डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं द फर्स्ट वन इज़ आइसोलेशन क्योंकि जब हमने कहा कि वी डोंट नीड ऑफिस स्पेस इवन तो जब आपके टीम मेंबर्स अपने घरों में बैठ के काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर आइसोलेटेड और वो आइसोलेशन जो है प्रोजेक्ट मैनेजर्स को उसको टेक केयर करना है कि कहीं पे वो आइसोलेशन प्रोजेक्ट जो टीम है या मेंबर्स हैं उनको अफेक्ट तो नहीं कर रही ठीक है एंड सेकेंडली कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स कैसे हो सकते हैं जब हम डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हैं डिफरेंट हमारे कल्चर्स हैं डिफरेंट हमारे टाइम रिजन्स हैं तो उसकी बेस के ऊपर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं पॉसिबल प्रॉब्लम हो सकते हैं अगेन एक और जो डिसएडवांटेज है दैट इज़ इनफॉर्मल लर्निंग या इनफॉर्मल नेटवर्किंग

इफ टेक्नोलॉजी इज वर्किंग फाइन देन ओके अदरवाइज देर आर मैनी प्रॉब्लम्स क्योंकि बेस ही टेक्नोलॉजी के ऊपर कर रहा है तो अगर आप प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर सकते अगर प्रॉपरली आप कोलेबोरेशन नहीं कर सकते कोलेबोरेटिव टूल आपके सही काम नहीं कर रहे या आपने प्रॉपर उनको चूज नहीं किया तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होंगी ओके अब इस स्लाइड के ऊपर देखें डिफरेंट सक्सेस फैक्टर्स को डिस्कस किया गया है वर्चुअल टीम्स के लिए कि इफ वी नीड सक्सेसफुल वर्चुअल टीम्स व्हाट आर द की फैक्टर्स ठीक है जो कि हम कंसीडर कर सकते हैं द फर्स्ट वन इज टीम प्रोसेस जैसे कि हर चीज के अपने प्रोसेस डिफाइन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसी तरह से जब डिफरेंट टीम्स काम करेंगी डिफरेंट लोकेशन के ऊपर होंगी वी हैव टू नीड वी हैव टू नीड वी हैव टू हैव टीम प्रोसेस टीम प्रोसेस होंगे कि क्या हर की है कौन टीम या प्रोजेक्ट मैनेजर है या टीम लीड है कौन डिवेल्पर है कौन टेस्टर है किसका क्या रोल है वी हैव टू डिफाइन इट दैन लीडरशिप स्टाइल प्रोजेक्ट मैनेजर का की रोल है कि अगर वो एक अच्छा लीडर है अगर वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करता है कि वर्चुअल टीम्स के क्या कुछ पॉसिबल प्रॉब्लम्स हैं और उसको कैसे टैकल करना है तो उसकी लीडरशिप जो है वो काफ़ी इफेक्टिव हो सकती है विचुअल टीम्स की सक्सेस में देन ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप्स अगेन व्हेन वी आर एट रिमोट लोकेशंस वी हैव नो फिजिकल कांटेक्ट और फिजिकल मीटिंग्स फेस टू फेस मीटिंग्स तो ट्रस्ट को डेवलप करना और एक वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा बनाना ये एक चैलेंज है और इसमें भी प्रोजेक्ट मैनेजर का इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है कि वो कैसे किस तरह से डिफरेंट मीटिंग्स टूल्स के थ्रू या डिफरेंट मीटिंग्स के जरिए जो है प्रोजेक्ट जो टीम मेंबर्स हैं उनका ट्रस्ट डेवलप करता है देन टीम मेम्बर सिलेक्शन एंड रोल प्रेफरेंसेस कि आप कैसी टीम सेलेक्ट करते हैं क्या उनके एक्सपीरियंस है इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने का जो वर्चुअल टीम्स में काम करते हैं और क्या उनकी अपनी प्रेफरेंसेस हैं क्या प्रायोरिटीज हैं अगर उनको आप उस तरह की जॉब देंगे उस तरह का टास्क असाइन करेंगे तो होपफुली ज़्यादा अच्छा वो परफॉर्म करेंगे अगेन टास्क टेक्नोलॉजी फिट इसका क्या मतलब है कि आपने जो भी टास्क है वो टास्क के लिए अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट टूल होगा तो फिर ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस होगी जैसे हमने पीछे कहा कि ये वर्चुअल टीम्स आर टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट तो टेक्नोलॉजी अगर अप्रोप्रिएट चूज़ करेंगे तो डेफिनेटली टास्क परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होगी देन कल्चरल डिफरेंसेस कल्चरल डिफरेंसेस हर हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना जैसे कल्चर होता है उसी तरह से हर कंट्री का अपना कल्चर होता है तो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो टीम्स हैं वर्चुअल टीम्स उनके अपने अपने नॉर्म्स हैं और उन नॉर्म्स को उन कल्चर की वैल्यूज़ को अंडरस्टैंड करना और फिर उसको उस तरह से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना होगा अगर हम सक्सेसफुल वर्चुअल टीम्स चाहते हैं देन कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन ऑब्वियसली के बग़ैर जो है कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन के ये पॉसिबल नहीं है कि वर्चुअल टीम्स काम करें तो हमें डिफरेंट टूल्स चाहिए होंगे जैसे मसाल के तौर पर स्काइपी एक टूल है जिसको हम आमतौर तो पर वैसे पर्सनल यूज़ में भी uh, बहुत कॉमन है तो इस तरह के डिफरेंट टूल्स होंगे जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो रही होगी देन टीम लाइफ साइकिल्स की टीम की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है जैसे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल होती है जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होती है इसी तरह से टीम लाइफ साइकिल भी होती है वी हैव टू डिफाइन इट और ये स्पेसिफिक होगा टीम टू टीम या ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन देन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जब हम फिज़िकली एक दूसरे को मिलते हैं फिजिकल कांटेक्ट में होते हैं तो वहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आते हैं लेकिन जब हम रिमोट लोकेशंस के ऊपर हैं रिमोटली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो स्टिल कन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं और उस कन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करना है इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो टॉप लेवल के ऊपर है वो अगर इसको प्रॉपरली इफेक्टिवली जो है कन्फ्लिक्ट को मैनेज करती है तो डेफिनेटली वर्चुअल टीम्स जो है वो सक्सेसफुल होंगी ओके नो वी टॉक अबाउट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स पहले हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की या सॉफ्टवेयर मॉडल्स की बात की और फिर उसके बाद हमने जो है प्रोजेक्ट के डिफरेंट जो है कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के डिफरेंट प्रोसेसेस हैं और उन प्रोसेसेस को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है और ये क्या है इसको भी हम डिटेल में देखते हैं तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस कि ये टर्म जो प्रोसेस है ये क्या है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि सीरीज ऑफ एक्शंस डायरेक्टेड टूवर्ड अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव अ गोल दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस तो इट मीन्स के जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है या जो प्रोजेक्ट है वो क्या है वो सीरीज ऑफ प्रोसेस है या सीरीज ऑफ एक्शंस है और उसको कैसे मैनेज करना है दैट इज़ की थीम मेन थीम यही है अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स को हमने फर्दर जो है अच्छा इससे पहले एक और चीज़ देखें कि इसको प्रोजेक्ट फेजेस के साथ कंफ्यूज नहीं किया जाएगा लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हम प्रोजेक्ट फेजेस को चार जनरल फेजेस में डिवाइड किया था और ये वो प्रोजेक्ट के हवाले से थी फेजेस और अब हम बात कर रहे हैं प्रोसेसेस की तो उसको कन्फ्यूज नहीं करना ये अलहदा से एक बात है प्रोसेसेस हर फेज के ऊपर होते हैं हर फेज के अंदर डिफरेंट तरह के प्रोसेसेस होंगे और इन प्रोसेसेस को देखते हैं वन बाय वन की ये क्या है फर्स्ट वन इज इनिशिएटिंग प्रोसेसेस और जैसे कि इसके नाम से जाहिर है कि जब हम इनिशिएट करते हैं डिफरेंट प्रोसेस और वो किसी भी फेज पे हो सकता है ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ फर्स्ट जो फेज़ है जैसे कॉन्सेप्ट फेज है प्रोजेक्ट की उसके अंदर इनिशिएटिंग प्रोसेस होंगे नहीं जब क्लोज आउट होगा वहां पे भी कुछ इनिशिएटिंग प्रोसेस होंगे तो डिफाइनिंग एंड ऑथराइजिंग प्रोजेक्ट आर फेज़ तो ये मेनली जो है हमारे इनिशिएटिंग प्रोसेस होते हैं वेन वी आर डिफाइनिंग ठीक है जब हम किसी काम को किसी को असाइन करें ऑथराइज कर रहे होते हैं कोई प्रोजेक्ट या कोई फेज एंड सेकेंडली हर फेज़ के बिगनिंग के ऊपर ये होंगे इसी तरह से कुछ प्लानिंग प्रोसेस होते हैं प्लानिंग प्रोसेस क्या होते हैं जिसके अंदर मेनली प्लान इन्वॉल्व होते हैं वेन वी प्लान फॉर द प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट तो डिफरेंट तरह के प्लान होते हैं तो प्लानिंग प्रोसेस डिफरेंट हो सकते हैं मेनली हम इसको क्या कहते हैं कि डिवाइजिंग एंड मेंटेनिंग वर्केबल स्कीम तो ये इस तरह के प्रोसेसिस हैं और इसमें जो की डॉक्यूमेंट है दैट इज़ टू प्रिपेयर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और इसको हम आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे और इस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर भी मल्टीपल प्लान हो सकते हैं जैसे स्कोप मैनेजमेंट प्लान टाइम मैनेजमेंट प्लान एंड सो ऑन अच्छा थर्ड कैटेगरी इज एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस और ये इसके भी नाम से जाहिर है लिटरल मीनिंग से प्रोसेस रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन जब हम डिफरेंट डिफरेंट तरह की एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हैं तो ये एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस होते हैं और इसमें मेनली क्या होता है कि वी हैव टू कोऑर्डिनेट बिटवीन पीपल एंड अदर रिसोर्सेज के कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज करना है अपना ह्यूमन रिसोर्स और जो अदर रिसोर्सेज हैं उसमें क्या कैसे कोऑर्डिनेट करना है और मेनली क्या होता है जो प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ होती हैं वो एग्जीक्यूशन एक्टिविटीज़ ही होती हैं एग्जीक्यूशन प्रोसेस ही होते हैं डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ फिर इसके बाद मॉनिटरिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेसेस मॉनिटरिंग एंड क्लोजिंग प्रोसेसेस आर आल्सो क्वाइट इंपॉर्टेंट एंड इट्स रिलेटेड टू क्वालिटी एश्योरेंस जब क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं तो वो मोनीटरिंग और क्लोजिंग प्रोसेस होते हैं और इसके अंदर हम प्रोग्रेस को मैयर कर रहे होते हैं या अवेलोट कर रहे होते हैं एंड दैन वी आल्सो हैेक्टिव एक्शनटिव एक्शन इन मोनीटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोसेस और फाइनली क्लोजिंग प्रोसेस क्लोजिंग प्रोसेस क्या होते हैं वेन वी कम्प्लीट द टास्क आर द प्रोजेक्ट और फिर हम फॉर्मल एक्सेप्टेंस की बात करते हैं फ्रॉम द कस्टमर आर द स्पॉन्सर और डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज होती हैं जिसके अंदर लाइक लेसन लर्न रिपोर्ट बनेंगी यूजर मैनुअल्स बनेंगे एंड सो ऑन इस स्लाइड के अंदर देखें कि एक स्टडी को डिस्कस किया गया है और दो तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर्स को क्लासीफाई किया, किया गया है कैटेगराइज किया गया है अदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स और एल्फा प्रोजेक्ट मैनेजर्स एल्फा प्रोजेक्ट मैनेजर्स आर दोज प्रोजेक्ट मैनेजर्स होक्सेसफुल रिकॉर्ड ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और वो क्यों सक्सेसफुल होते हैं और ये सिर्फ टू परसेंट होते हैं और ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टडीज की गई और फिर ये इस ये जो आपको चार्ट नज़र आ रहा है स्लाइड में फिर इसको ड्रा किया गया बेस्ड ऑन दैट स्टडी और इसमें देखें कि जो अल्फ़ा प्रोजेक्ट या बेस्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं इन अदर वर्ड्स वो हर फेज़ के ऊपर रिलेटिवली ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और इसमें देखें अगर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ये दो प्रोसेस हैं प्रोसेस ग्रुप्स हैं जिसके ऊपर रिलेटिवली ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है अल्फा मैनेजर्स ने और बाकियों में भी देखा जाए तो उसमें भी ज़्यादा टाइम ही स्पेंड किया है दूसरे प्रोजेक्ट मैनेजर्स की निष्पत लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्लानिंग पे अगर आप ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो होपफुली आपकी जो एक्जीक्यूशन प्रोसेस हैं और वैसे इन जनरल जो आपकी प्रोसेस जो प्रोजेक्ट की कंप्लीशन है वो ज्यादा बेहतर होगी क्योंकि आप ज्यादा बेहतर प्लान करेंगे तो ये इसके अंदर की जो है आ, आ, की इसमें फिगर है की फाइंडिंग है और एग्जीक्यूशन में सॉरी एग्जीक्यूशन में जब जब आप प्लान ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे तो एग्जीक्यूशन जो है उसमें आप टाइम टाइम जो है कम स्पेंड करेंगे प्लानिंग में अगर टाइम ज़्यादा स्पेंड किया है अल्फ़ा प्रोजेक्ट मैनेजर्स ने तो एग्जीक्यूशन के अंदर उन्होंने टाइम कम स्पेंड किया इट मीन्स कि अच्छी प्लानिंग जो है वो ज़्यादा बेहतर एग्जीक्यूशन प्रोसेस की तरफ जाती है या ज़्यादा अच्छी एग्जीक्यूशन आपको देती है एज़ कम्पेयर टू पुअर प्लानिंग तो कंक्लूजन इसका ये है कि हमें प्लानिंग पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए इफ वी वांट टू सेव टाइम इन एग्जीक्यूशन प्रोसेस अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की और ये आप अगर आप फ्रेमवर्क को पहले लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क उसके अंदर हमने देखा था कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट भी एक नॉलेज एरिया है जो कि इंटीग्रेट करता है ऑल अदर नॉलेज एरियाज तो इसको हम देखें ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट इज बेसिकली कोऑर्डिनेटिंग ऑल नॉलेज एरियाज थ्रू आउट अ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल और अगर हम इसके मेन प्रोसेस की बात करें तो मेन प्रोसेस इसके सिक्स हैं छः हैं और फर्स्ट वन इज़ डेवलपिंग प्रोजेक्ट चार्टर द सेकेंड वन इज़ डेवेल्पिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान थर्ड वन इज़ डायरेक्टिंग इन मैनेजिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन फोर्थ वन इज मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट वर्क फिफ्थ वन इज परफॉर्मिंग इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल एंड द लास्ट वन इज क्लोजिंग वन इनको डिस्कस करते हैं जब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट चार्टर को डेवेलप करने की तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि वट इज प्रोजेक्ट चार्टर के प्रोजेक्ट चार्टर क्या है इट इज इन फैक्ट फॉर्मल डॉक्यूमेंट टू रिकोगनाइज द प्रोजेक्ट आपने अक्सर अपने डिफरेंट जगहों के ऊपर देखा होगा जैसे गलियों के अंदर या सड़कों के ऊपर ये जी ये डेवलपमेंट जो है हुई है इस रोड की ये इस इस प्रोजेक्ट टाइटल से हुई है इस इस डेट को स्टार्ट हुआ इसकी टोटल बजट ये था या कॉस्ट ये थी और इस डेट के ऊपर इसको कंप्लीट किया गया दैट इज़ इनफैक्ट प्रोजेक्ट चार्ट जिसके अंदर एक ब्रीफ समरी होती है आपके पास प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो प्रोजेक्ट टाइटल होता है उसके ऊपर डेट ऑफ अथराइजेशन हुआ है कब वो अथराइज हुआ है और बेसिक कॉन् कॉन्टेक्ट इन्फो होती है कि कौन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस इस प्रोजेक्ट को कर रही है ये कौन स्पॉन्सर है और कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है जिसने इसको प्रोजेक्ट को करना है और डेफिनेटली प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव ब्रीफली उसमें डिस्क्राइब होते हैं और देन वी हैव टू जस्टिफाई द बिजनेस नीड और हमें उसको प्रॉपरली बताना होता है कि वाई वी नीड दिस प्रोजेक्ट और फिर समरी होती है प्रोजेक्ट कैचुअल की प्रोजेक्ट बजट की कि क्या एस्टिमेटेड बजट हो गया कब कब जो है ये कंप्लीट होगा सिमिलरली हमारे पास समरी होती है कम्युनिकेशन प्लान की कि कौन कौन से जो है वो की स्टेक होल्डर्स हैं किस किस टाइम के ऊपर उनको क्या क्या कुछ कम्युनिकेट किया जाएगा ये सारी डिटेल होती है फिर प्रोजेक्ट सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइन होता है कि कब हम ये कहेंगे क्या वो बेसिक क्राइटेरिया होगा जिसकी बेस पे ये कंसीडर किया जाएगा कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है फिर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स बताया जाता है कि कौन कौन से की रोल्स जो है की लोग जो हैं की टीम मेंबर्स हैं और उनकी क्या रेस्पांसिबिलिटीज है और आखिर में जो है जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो साइन करते हैं और अगर उनके कोई कमेंट्स हैं तो उसके लिए कमेंट्स का सेक्शन होता है तो ये एक ब्रीफ सी समरी है या ब्रीफ से कॉन्टेंट्स बताए हैं कि प्रोजेक्ट ऑर्डर में क्या कुछ होता है अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान की कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो क्या है ठीक है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो कोऑर्डिनेट करता है ऑल अदर प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि स्कोप मैनेजमेंट प्लान होगा टाइम मैनेजमेंट प्लान होगा कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान होगा तो इस तरह के जितने भी क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान होगा तो वो सारे जो है इनपुट हैं फॉर द मेन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो कि एक होगा और उसके अंदर यहाँ सबसे इनपुट आएगी और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर प्रोजेक्ट प्लानिंग एजम्पशन होती हैं कि हम क्या कुछ एज्यूम कर रहे हैं जब प्लानिंग कर रहे हैं और जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट होते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान रिलेटिव टू द प्रोजेक्ट और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है वो हमें असिस्ट करता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में और कंट्रोल में ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो कि हमें थ्रू आउट द प्रोजेक्ट गाइड करता है और असिस्ट करता है एंड देन बेस लाइन फॉर प्रोजेक्ट मेजरमेंट एंड प्रोजेक्ट कंट्रोल डेफिनेटली प्रोग्रेस को अगर हमने मैयर करना है एवेलट करना है कि हमारा प्रोजेक्ट सही डायरेक्शन में जा रहा है हम अपने जो भी एस्टिमेटेड टाइम और बजट के प्लान्स हैं उसको मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए ये हमारे पास एक बेस लाइन है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको हम बार बार रेफर कर सकते हैं और डेफिनेटली ये कोई एंटिटी नहीं होता विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंजेस अगर होती हैं और उन चेंजेस के साथ साथ जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में भी चेंजेस आते हैं तो ये फ्लेक्सिबल होता है डायनामिक होता है एंड सब्जेक्ट टू चेंज होता है इसी तरह से हमें सारे जो डिफरेंट नॉलेज एरियाज हैं उसमें से हमें इंफॉर्मेशन या इनपुट चाहिए होती है तभी हम एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बना सकते हैं तो प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसको चाहिए कि वो सारे स्टेक होल्डर से और जो डिफरेंट एरियाज नॉलेज एरियाज़ हैं उनसे रिलेटेड जो लोग हैं उनसे वो इनपुट लें तो अब नीचे देखें हम मेन इनपुट की जब बात करते हैं कि हाउ टू डेवलप द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान उसके लिए मेन इनपुट्स हमारे पास प्रोजेक्ट चार्टर है प्रोजेक्ट चार्टर की इंफॉर्मेशन जो है उसके साथ साथ जो डिफरेंट हमारे और प्लानिंग प्रोसेस होते हैं उन सब की जो इनपुट है प्लस इंटरप्राइज इन्वायरमेंट फैक्टर्स जो होते हैं डिफरेंट फैक्टर्स जो के अफेक्ट करते हैं इन्वामेंट को भी और प्लस जो ऑर्गेनाइजेशन की इन्वामेंट और किसी तरह से प्रोजेक्ट को भी अफेक्ट कर सकते हैं तो उनको भी कंसिडर करना होता है और इसके अंदर मेन जो टेक्निक है टू डेवलप द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान दैट इज एक्सपर्ट जजमेंट तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है जो टॉप मैनेजमेंट है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को बना रही है डेवलप कर रही है उनकी एक्सपर्ट जजमेंट जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अब हम बात करते हैं कि क्या मेजर कंटेंट्स हो सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के पहले हमने प्रोजेक्ट चार्टर के मेन सेक्शंस या मेन कंटेंट्स देखे और अब हम देखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर क्या कुछ सेक्शंस हो सकते हैं तो हमने पहले कहा कि एवरी प्रोजेक्ट इज़ यूनिक सो एवरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज़ यूनिक डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स होते हैं डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो उन सारी वो जो यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी प्रोजेक्ट की उसकी वजह से जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान भी बनता है तो वो भी डिफरेंट होता है वो भी यूनिक होता है ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को लेके और डिफरेंट प्रोजेक्ट को जो है सक्सेसफुली हम कम्प्लिश uh, करें ऐसा नहीं होगा हर प्रोजेक्ट का अपना एक प्रोजेक्ट प्लान होगा इसके अंदर कॉमन सेक्शन में सबसे पहला जो सेक्शन है वो इंट्रोडक्शन का सेक्शन है और ये इंट्रोडक्शन का सेक्शन मेनली जैसे प्रोजेक्ट चार्टर के कॉन्टेंट्स है मोरलेस वही कॉन्टेंट्स हैं कि प्रोजेक्ट टाइटल होगा डेफिनेटली

क्या कोई ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं या कोई गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या रूल्स हैं जिसको फॉलो करना है इस प्रोजेक्ट के अंदर और डिफरेंट जो टाइप ऑफ डेफिनेशंस हैं उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो और कोई एक्रोनिम्स हैं तो वो भी हमें इसके अंदर लिस्ट डाउन करने होंगे एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन होता है जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन के चार्ट्स होते हैं क्या हरार्की है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और इसके अंदर दोनों दोनों आर्गनाइजेशन होंगी बोथ पार्टीज़ जो आपको प्रोजेक्ट दे रही है जो स्पॉन्सर है वो भी और जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट कंडक्ट कर रही है वो भी दोनों की अपनी अपनी हरारक़ और अपने अपने उनके चार्ट्स उस डॉक्यूमेंट के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में अवेलेबल होंगे इसी तरह से प्रोजेक्ट के अंदर जो की रेस्पॉसिबिलिटीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग हैं जो स्टेक होल्डर्स हैं प्रोजेक्ट के वाले से और क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं दैट वी आल्सो हैव टू डिफ़ाइन और फिर और जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड और प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सेटअप प्रोसेस होते हैं और वो इंफॉर्मेशन जो है मतलब किस प्रोसेस को किस तरह के सेटअप प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा हमें उसको भी डिफाइन करना होता है यहाँ पे बताना होता है फिर एक और सेक्शन मैनेजमेंट एंड टेक्निकल अप्रोचेस का होता है और इसके अंदर हम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्जेक्टिव्स को बताते हैं कि टॉप मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वो इसको कैसे देखती है उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं जिसको वो अचीव करना चाह रही है थ्रू दिस प्रोजेक्ट देन प्रोजेक्ट कंट्रोल्स के वाले से हम बात करते हैं कि किस कौन कौन लोग होंगे जो इस प्रोजेक्ट को कंट्रोल कर रहे होंगे जो उनको आप की स्टेक होल्डर्स भी कह सकते हैं या टॉप मैनेजमेंट भी कह सकते हैं और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलटीज़ होंगी डेफिनेटली रिस्क मैनेजमेंट की बात होगी कि रिस्क मैनेजमेंट जो किस किस तरह के रिस्क हैं जो के अकर हो सकते हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट और उसको कैसे टैकल किया जाएगा वो सारा कुछ रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है और फिर उसके बाद प्रोजेक्ट स्टाफिंग की बात होगी कि कौन कौन से लोग किस किस कंपिटेंसी के लोग हमें चाहिए और वो हमें यहाँ पे मेंशन करना होगा प्लस अगर हमारे कोई टेक्निकल प्रोसेस हैं टेक्निकली हमने क्योंकि आई टी प्रोजेक्ट्स या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होते हैं तो हमारे कोई टेक tech, टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकल जो हमारे कोई प्रोसेस जिसको हमें फॉलो करना है उस प्रोजेक्ट के अंदर तो हमें उसको भी डिफाइन करना होगा यहाँ पे इसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन है दैट इज़ स्कोप मैनेजमेंट और स्कोप मैनेजमेंट के अंदर आप मेजर वर्क पैकेजेस की बात करते हैं क्या कुछ डिलीवरेबल्स होंगे उसको बताते हैं और फिर इसके साथ कोई और वर्क रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है डिफरेंट तरह की आ, कि उसको उसको आपने यहाँ पे डिफाइन करना होगा और फिर इसी तरह से स्केजुअल मैनेजमेंट होता है और स्केचुअल मैनेजमेंट में आप अपनी समरी बताएँगे स्केजुअल की और के अंदर जो है वो की जो आपकी टाइम लाइन है उसको बताएंगे लेकिन जब डिटेल स्कीजुल की बात करते हैं तो कौन कौन से डिलीवरेबल्स किस किस टाइम के ऊपर या कौन कौन से वर्क पैकेजेस कब कब डिलीवर होंगे हमें उसको टाइम लाइन को बताना होगा और इसी तरह से कोई और एक्स्ट्रा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है स्केजूल से तो वो भी हमें डिफाइन करनी होगी फिर हम बात करते हैं बजट सेक्शन की और बजट सेक्शन के अंदर समरी बजट होगा की फ़िगर्स होंगी कि क्या कुछ बजट अप्रूव हुआ है और क्या एस्टिमेटेड हमारे पास फिगर्स हैं लेकिन जब हम डिटेल बजट की बात करते हैं तो डिफरेंट जो टाइम के ऊपर डिफरेंट जो हमारे वर्क पैकेजेस हैं कितनी कुछ उसके ऊपर कास्ट आएगी क्या उसके लिए बजट प्लान किया गया है वो सारा और इसी इसी तरह से कोई और कास्ट से बजट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी इसके अंदर डिफाइन की जाती है तो ये हमने देखा कि क्या कुछ की सेक्शंस हो सकते हैं किसी एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में और ऑब्वियसली डिफरेंट जो नॉलेज एरियाज हैं उनके जो डिफरेंट प्लान्स हैं उससे इनपुट आएगी और उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे तो तभी जाके एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बन सकता है ओके okay, अब हम बात करते हैं डायरेक्टिंग एंड मैनेजिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन अब ये एक और जो है प्रोसेस है हमारा प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन का और इसमें हम बात करते हैं एग्जीक्यूशन की हमारा फोकस जो है वो एग्जीक्यूशन के ऊपर है इसके अंदर मेन इनपुट्स देखें जो है वो वो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान है या चेंज रिक्वेस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान से ही हमें पता चलता है कि क्या कुछ वर्क डिलीवरेबल्स हैं जो कि हमने थ्रू एग्जीक्यूशन जो एक्टिविटीज़ हैं उसके हमने उसको डिलीवर करना है और इसी के साथ साथ जैसे जैसे टाइम मैंने बताया कि गुजरता है तो कुछ चेंजेस ऑबियसली आती हैं प्रोजेक्ट के अंदर या स्कोप के अंदर या बजट के हवाले से तो उस वो जो चेंज रिक्वेस्ट है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे उसकी अप्रूवल या रिजेक्शन होती है लेकिन उसको भी अकोमोडेट किया जाता है और वो मेन इनपुट होती है एग्जीक्यूशन के लिए और डेफिनेटली जो प्रोजेक्ट का मेजर uh, टाइम जो होता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो है वो एग्जीक्यूशन ही में स्पेंड होते हैं और फिर इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे बात है एग्जीक्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि टीम और जो स्टेक होल्डर्स हैं उसके दरमियान में कैसे जो है रिलेशनशिप होगा और टीम को लीड करना प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन प्रोसेस ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन फेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे लीड करता है क्योंकि अगर वो लीडर है सही मानों में वो प्रोजेक्ट मैनेजर है तो उसको अपनी एग्जाम्पल सेट करनी होगी इफ द प्रोजेक्ट मैनेजर इज मेंटेनिंग आर अचीविंग द गोल्स एज मैंशन इन द प्रोजेक्ट प्लान तो डेफिनेटली इसका अच्छा इंपैक्ट जाएगा प्रोजेक्ट टीम के ऊपर भी और उसकी सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि कैसे उसने स्टेक होल्डर्स के दरमियान रिलेशनशिप को प्रॉपरली uh, ले कर चलना है या एक अच्छा रिलेशनशिप उसने मैंटेन करना है और डेफिनेटली अगर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो फ्लैक्सीबल होगा क्रिएटिव होगा डिफरेंट इनोवेटिव टूल्स को यूज़ कर सके प्रोजेक्ट में और ऑबियसली प्रोजेक्ट्स जब भी होते हैं प्रोसेस डिफाइन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक सेटअप होता है लेकिन उस सेटअप के अंदर भी समटाइम्स प्रोजेक्ट मैनेजर्स को जो है रूल्स uh, ब्रेक करने होते हैं और देन दे हैव टू जस्टिफाई कि वो उन्होंने क्यों ऐसे किया तो उसको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है अब हम बात करते हैं कि डेफिनेटली जो एग्जीक्यूशन है वो आइसोलेशन में नहीं हो सकती एग्जीक्यूशन डिपेंड करती है कि आपने कैसे प्लान किया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले चार्ट देखा कि जितनी अच्छी प्रॉपर प्लानिंग होगी उतना ही कम टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन में और ज़्यादा सक्सेसफुल होगा प्रोजेक्ट बिल्कुल उसी तरह से हम जो है इन दोनों को आइसोलेट नहीं कर सकते प्लानिंग को और एग्जीक्यूशन को एंड वी हैव टू कोऑर्डिनेट बिटवीन बोथ इसमें जो गोल्डन रूल है वो ये है कि जब आप प्लान करते हैं तो प्लान करते हुए वो अप्रोप्रिएट लोग होने चाहिए वो सूटेबल टीम होनी चाहिए जिसने कि इनफेक्ट वो टास्क परफॉर्म करना है जो टास्क जिसने एग्जीक्यूट करना है अगर वो प्लान करेंगे तो वो प्लान ज़्यादा अच्छा होगा वो ज़्यादा रियलिस्टिक होगा दैट्स वाई दोज हु विल डू द वर्क शुड प्लान द वर्क इसी तरह से जब जैसे मैंने पहले ही कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो लीडर होता है तो लीडर को एग्जाम्पल सेट करनी होती है और अगर स्ट्रांग लीडरशिप होगी तो डेफिनेटली एग्जीक्यूशन जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी एग्जीक्यूशन की फेस में ज़्यादा एक्टिवली काम होगा और डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन इफ़ पीपल within the organization as supportive to each other, definitely their output, their efficiency will be better than any organization which have which have which has no supportive culture. इसी तरह से जो organisation के अपने rules होते हैं, उसको भी जो है देखना होगा कि वो कितने supportive हैं। ऐसा तो नहीं है कि bureaucratic procedures हैं organisation के अंदर and if you want to do something यू हैव टू क्रॉस सो मैनी हर्डर्स तो आप डी हो जाएंगे और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के ऊपर इसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा तो स्पोर्टिव कल्चर का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो प्रोडक्ट का उसको नॉलेज होना चाहिए तो उस वो जिस डोमेन के अंदर वो एप्लीकेशन है जो एप्लीकेशन एरिया है उसका नॉलेज बिजनेस का अच्छा जो है नॉलेज अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर बड़ा प्रोजेक्ट है लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स जानता हो उसके एक अच्छा जो है मैनेजर जो जो भी होगा अच्छा मैनेजर वो एटलीस्ट बिजनेस नीड्स को जो है अंडरस्टैंड करता होगा और इन जनरल जो वो एप्लीकेशन एरिया है उसको अंडरस्टैंड करता होगा और इसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है लेकिन स्मॉल स्केल प्रोजेक्ट के अंदर उसको टेक्निकली भी स्ट्रांग होना होगा अदरवाइज जो है वो उसके लिए मुश्किल होगा कि प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करें जब हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो डेफिनेटली डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनके थ्रू जो है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है और उसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो एक्सपर्ट जजमेंट है एक्सपर्ट जजमेंट जो है जो प्रोजेक्ट मैनेजर की जजमेंट है या टॉप मैनेजमेंट जो कितने एक्सपीरियंसड हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन और इसी तरह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स जो भी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हैं वो डिफरेंट तरह के सिस्टम्स यूज़ करती हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम और उसको यूज़ करते हुए हम अपने वर्क प्रैक्टिस को और अपने प्रोसेस को ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अब हम बात करते हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट वर्क ये एक और की प्रोसेस है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का और इसके अंदर जो है हम बात करते हैं इन जनरल जो है क्वालिटी uh, कंट्रोल की क्वालिटी एश्योरेंस की और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है चेंज change. और चेंजेस जो है उसको आप नहीं रोक सकते एक कोड भी है कोटेशन है कि देर इज़ नथिंग परमानेंट एक्सेप्ट चेंज तो चेंजेस अगर होती हैं और यू कैन नाट अवॉइड द चेंज तो उस चेंज को कैसे मैनेज करने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कैसे उसको अकोमोडेट करना है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है जॉब uh, है नाइन्टी परसेंट ऑफ जो जॉब है वो प्रोजेक्ट का जो टाइम है इस इस तरह इस तरह इस, तरह, इस प्रोसेस के अंदर मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग में वो सिर्फ इस बात पर होता है कि हाउ टू कम्यूनिकेट एंड मैनेज चेंजेस तो ये क्वाइट इम्पॉर्टेंट और मेनली हम इसमें करते क्या है इस तरह के प्रोसेस के अंदर के वी हैव टू कलेक्ट मोयर एंड डिसमिनेट परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन कि आपके डिफरेंट प्रोडक्ट रिव्यूज़ होते हैं या इंस्पेक्शन होती हैं और उसके अंदर आप देखते हैं कि जो कुछ हमने प्लान किया है उसके मुताबिक हम अपना प्रोजेक्ट uh, चल रहा है एग्जीक्यूशन हो रही है परफॉर्मेंस उस तरह से है या हम डी ट्रैक हो रहे हैं और हम अपने स्केचों से पीछे जा रहे हैं या हम ओवर बजट हो रहे हैं तो वी हैव टू मैनेज आल दोज कंसर्न्स। इसके अंदर मेन इनपुट देखें अगर तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान ऑब्वियसली मेन इनपुट है क्योंकि उसी के अंदर सारे प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स हैं एंड सेकेंडली द परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जब आप टाइम टू टाइम जो है परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं डिफरेंट टीम्स जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही होती हैं दे हैव टू प्रिपेयर द परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स के अंदर आप मैंशन करते हैं कि कितना आपने टास्क या काम या जो भी उस ड्यूरिंग उस स्पेसिफिक टाइम जो अचीवेबल जो डिलीवरेबल्स थे वो अचीव किए हैं और कितना आप अपने स्केचल उससे पीछे हैं या कितना आप जो है आगे जा रहे हैं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जो है बेसिकली बेस लाइन है टू आइडेंटिफाई एंड द कंट्रोल चेंजेस तो बेस लाइन इसको हम क्यों कह रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान होता है जैसे कि मैंने पहले कहा उसके अंदर सारे नॉलेज एरियाज इनपुट होती है उसके अंदर मल्टीपल प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो जो एक इनिशियल प्लान होता है और प्लस जो अप्रूव चेंजेस होती हैं प्रोजेक्ट के अंदर वो बेस लाइन कहलाता है और इसी के थ्रू जो है हम प्रोसेस की जो जो प्रोग्रेस है सॉरी प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है उसको जो है हम मॉनिटर करते हैं और इसका इस इस प्रोसेस इस तरह के प्रोसेस जब होते हैं जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के प्रोसेस हैं तो उसके अंदर मेन आउटपुट हमारी क्या होगी डेफिनेटली चेंज रिक्वेस्ट होगी कि अगर हम देखते हैं कि वी नीड चेंज इन स्कोप आर इन अदर चेंज वी हैव टू इनिशिएट द चेंज रिक्वेस्ट और इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसके लिए क्या मैकेनिज्म होता है उस चेंज रिक्वेस्ट को मैनेज करने का रिजेक्ट करने का अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस परफॉर्मिंग अब नाउ वी टॉक अबाउट द परफॉर्मिंग इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल और ये चेंज कंट्रोल एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये बेसिकली क्या है हाउ टू आइडेंटिफाई अवेल एंड मैनेज चेंजेस और इसके अंदर जो है हमने देखना होता है कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं या जो जो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो जिनकी वजह से चेंजेस आकर होती हैं ठीक है एंड वी हैव टू मैनेज दोज फैक्टर्स हम चाहेंगे कि कम से कम चेंज आकर हो ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट और वी हैव टू डिटरमिन कि चेंज आकर हो गई है जो जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता समथिंग इज़ ऑलरेडी डन और इसी तरह से हमें ये भी देखना है कि जब कोई और चेंज आकर होने वाली है या चेंज आकर होगी हाउ टू मैनेज इट ठीक और तो इसके इसके अंदर जो मेन इनपुट्स हैं वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन जो है और जो चेंज रिक्वेस्ट हैं वो बेसिकली इसकी मेन इनपुट्स हैं और इसकी आउटपुट क्या होगी ऑब्वियसली इस प्रोसेस के अंदर अपडेटेड चेंज रिक्वेस्ट स्टेटस होगा कि उसका स्टेटस बताएंगे अप्रूव हुई है रिजेक्ट हुई है या वो ऑलरेडी एकामोडेट कर दिया गया उस चेंज को अकॉर्डिंगली काम कर दिया गया एग्जीक्यूशन हो गई है और जो डिफरेंट प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी अपडेट किया जाएगा चेंजेस डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं इन फॉर्मल वे में भी हो सकती हैं फॉर्मल भी हो सकती हैं रिटर्न भी हो सकती हैं औरल भी हो सकती हैं तो ये डिपेंड करता है और जब भी कोई रीज़नेबल साइज का प्रोजेक्ट होगा तो उसके ऊपर जब चेंज अगर होगी या किसी चेंज को अकोमोडेट करना होगा तो डेफिनेटली फॉर्मल और रिटर्न अप्रूवल के साथ या रिटर्न रिक्वेस्ट के साथ जो है उसको उसको इनिशिएट किया जाएगा चेंज को मैनेज करने के लिए हमारे पास चेंज कंट्रोल सिस्टम होता है और चेंज कंट्रोल सिस्टम इज बेसिकली द फॉर्मल प्रोसेस टू मैनेज सच चेंजेस उसको हम चेंज कंट्रोल सिस्टम की बात कहते हैं और इसी तरह से चेंज कंट्रोल बोर्ड होता है चेंज कंट्रोल बोर्ड इस ग्रुप ऑफ की स्टेक होल्डर्स जिनका कंसर्न होता है उस प्रोजेक्ट के साथ और चेंजेस के साथ एंड हैव टू मेक डिसीजंस के ये चेंज जो है अप्रूव की जाए या रिजेक्ट किया जाए इसको कैसे अकोमोडेट किया जाए और ये ये जो मेंबर्स हैं जो कि चेंज कंट्रोल बोर्ड में होते हैं डूरिंग द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन विद द पैसेज ऑफ टाइम ये लोग चेंज हो सकते हैं डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट लोग या डिफरेंट की स्टेक होल्डर्स इस बोर्ड का पार्ट हो सकते हैं और डेफिनेटली हमें जितने भी की स्टेक होल्डर्स हैं उन सब को जो है वो इस इस बोर्ड के इस बोर्ड इस, इस का पार्ट बनाना चाहिए एंड डेफिनेटली वी हैव टू टेक आन बोर्ड द ऑल की स्टेक होल्डर्स की स्टेक होल्डर्स को अगर हम ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो हमें बाद में उसके प्रॉब्लम होंगे क्योंकि ऑब्वियसली जब कॉस्ट uh, से रिलेटेड या बजट से सॉरी एंड ऑब्वियसली जब हम की स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो हमें डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स होंगे अगर बजट से रिलेटेड और स्केजुअल से रिलेटेड चेंजेस आती हैं तो मैनेजमेंट जो होती है एंड स्पेशली द टॉप मैनेजमेंट दे डू नाट लाइक सरप्राइजेस जिसके अंदर आप उनको ओवर बजटिंग की बात करें या आप अपने टाइम से जो है पीछे रह गए इस तरह की अगर आप सरप्राइजेज देंगे तो मैनेजमेंट इसको लाइक नहीं करती सो यू हैव टू केयरफुली फॉर्म दिस चेंज कंट्रोल बोर्ड और फिर उसके बाद जब हम आई टी प्रोजेक्ट की बात करते हैं स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो हमें कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना होता है डिफरेंट डिलेवरेबल्स या डिफरेंट मॉड्यूल्स या डिफरेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर डिफरेंट टीम्स काम कर रही होती हैं उसके डिफरेंट वर्जन होते हैं उन डिफरेंट वर्जियंस को उन डिफरेंट जो जो वर्क वर्क डिलीवरेबल्स जो हैं उनको कैसे मैनेज करना है उसके क्या वर्जन है कौन टीम कौन सी टीम किस जो है वर्जन के ऊपर या किस पैकेज के ऊपर काम कर रही है वी हैव टू मैनेज सच ऑल इंफॉमेशन और इसके लिए कन्फ्रिकेशन मैनेजमेंट के टूल्स होते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं दैट कैन बी यूज और ऑबियसली कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है प्रोजेक्ट के सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन में और हर जगह हम इसको बार बार डिस्कस करते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ क्वाल इम्पॉर्टेंट अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन होगी उमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स तो फिर ज़्यादा अच्छा होगा और ज़्यादा अच्छे कोऑर्डिनेशन होगी और अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं है डिफरेंट टीम से डिफरेंट जो प्रोजेक्ट स्टाफ है अगर उसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है प्रॉपर वो चेंजेस को प्रॉपरली कम्युनिकेट uh, नहीं किया गया तो उस तरह से फिर अपडेटेड और uh, जो डिज़ायर्ड डिलीवरेबल्स हैं वो वो डिलीवर नहीं होंगे ओके okay, चेंज कंट्रोल बोर्ड का होना बहुत ज़रूरी है बहुत अच्छी बात है लेकिन इसका पॉसिबल डिसएडवांटेज क्या होगा जी ऑब्वियसली हमें टाइम चाहिए वी नीड टाइम टू डिस्कस चेंजेस टू अप्रूव और रिजेक्ट चेंजेस और सारे स्टेक होल्डर्स अगर उसमें इन्वॉल्व हैं तो हमें ये मैनेज करना होगा कि किस टाइम पे वो सारे स्टेक होल्डर्स आपस में बैठ सकते हैं और चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं तो डेफिनेटली इट इज़ टाइम डिमांडिंग और इसके लिए एक पॉसिबल सोल्यूशन ये हो सकता है जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फोर्टी एट आवर पॉलिसी हो सकती है वट डज़ इट मीन कि जो भी चेंज आएगी उसके ऊपर हमने फोर्टी एट आवर्स में डिसीजन लेना है एंड वट एवर इज़ द डिसीजन वी हैव टू कम्युनिकेट इट टू द टॉप मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट के पास अगेन फोटी एट आवर्स होंगे अगर वो उसके ऊपर कमेंट्स करती है एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट करती है तो दे आल्सो हैव फोटी एट आवर्स लिमिट अगर फोर्टी एट आवर्स के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो इट मीनस के जो भी चेंजेस सजेस्ट की गई थी दे दे एक्सेप्टेड तो इस तरह से है इसी तरह से और जो आज के जो हमारी वर्क प्रैक्टिसज हैं बहुत सारी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ, बहुत सारे ऑफिस के अंदर जो है वो डेली मीटिंग होती हैं जब आप अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो 15-20 मिनट की इनिशियल मीटिंग होती है जिसके अंदर सारे लोग जो है प्रोजेक्ट टीम जो है वो मिलके Uh, बैठती है या खड़े खड़े ही वो बात करते हैं और जो भी चेंजेस हैं या जो भी अपडेट्स हैं वो शेयर करते हैं इसी तरह से कुछ ऑफिस के अंदर कुछ ऑर्गनाइजेशन के अंदर क्वाइट uh, पॉसिबल कि ये वीकली हो और इसकी ड्यूरेशन चेंज हो सकती है डिपेंड्स के किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है और किस साइज़ का प्रोजेक्ट है अच्छा जब हम बात करते हैं कि प्रॉपर एड्रेस किया जाए चेंज को तो ये बुक से एक आईटी uh, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो बुक है उसके पेज नंबर 164 से ये टेबल लिया गया है एंड देर आर सम सजेशंस टू परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल और उसमें फर्स्ट वन है कि व्यू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एज ए प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट कम्युनिकेशन एंड निगोशिएशन जैसे थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स तो वो प्रोजेक्ट uh, मैनेजमेंट को जब आप देखेंगे कि ये टोटली totally प्रोसेस ही जो है कम्युनिकेशन का है कि हाउ टू कम्युनिकेट चेंजेस हाउ टू कम्युनिकेट विद द स्टेक होल्डर्स और कैसे निगोशिएट करना है विद डिफरेंट पार्टीज विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ये क्वाइट इम्पॉर्टेंट है इसलिए देखें इसको टॉप पर लिखा गया है दैन प्लान फॉर चेंज और ऐसे नहीं आपको कि आप रिएक्टिव हो आपको प्रोएक्टिव होना पड़ता है आपको पहले से फोर्स ही करना पड़ता है कि क्या कुछ पॉसिबल चेंजेस हो सकती हैं एंड यू हैव टू प्लान फॉर दैट अगर आप बैठे रहेंगे कि एक एक दफा कोई चेंज हो जाए कुछ अगर हो जाए और फिर आप उसको करेंगे तो ये कोई अच्छी अप्रोच नहीं है सो यू हैव टू प्रोएक्टिव देन थर्ड वन इज एस्टैब्लिश ए फॉर्मल चेंज कंट्रोल सिस्टम इंक्लूडिंग ए चेंज कंट्रोल बोर्ड रादर दैन के आप एक इनफॉर्मल सी एक कमेटी uh, बनाएं और वो डिसीजन ले रही हो जब आप फॉर्मल uh, जो है एक प्रोसेस डिफाइन करेंगे हाउ टू एड्रेस हाउ टू मैनेज द चेंजेस विद इन द प्रोजेक्ट और क्या चेंज कंट्रोल बोर्ड होगा तो डेफिनेटली ये ज़्यादा अच्छा आप परफॉर्म करेंगे द फोर्थ वन इज़ यूज अफेक्टिव कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट ऑबियसली अगर आप कोई प्रॉपर टूल यूज़ नहीं कर रहे कन्फिग्रेशन मैनेजमेंट के लिए तो आप जो है उसको डेफिनेटली मैनेज करना सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को उसके डिफरेंट वर्जन्स को ये हेल्प ऑफ जॉब है और इसको इसको इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता देन डिफाइन प्रोसीजर्स फॉर मेकिंग टाइमली डिसीजंस और स्मॉलर चेंजेस अगेन प्रोसीजर्स की बात हो रही है प्रोसेस की बात हो रही है यू हैव टू डिफ़ाइन द प्रोसीजर्स जो कि स्पोर्टिंग हो टू टेक डिसजन्स टाइमली डिसजन्स ये ना हो कि आप कोई चेंज आए और फिर दो हफ्ते जो है उसकी अप्रूवल लेने में लग जाए और वो चेंज जो है बहुत इमिजिएट नेचर का हो तो इस तरह से वो प्रोजेक्ट जो है कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा और डेफिनेटली अगर स्मॉलर चेंजेस हैं जिनका कोई लार्ज इंपैक्ट नहीं है प्रोजेक्ट के बजट के ऊपर या स्केचुअल के ऊपर या स्कोप के ऊपर तो हमें ऐसे प्रोसीजर्स होने चाहिए कि उसको ज़्यादा जल्दी और लोअर लेवल के ऊपर ही उसको एड्रेस कर लिया जाए देन यूज़ रिटर्न एंड oral परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स टू हेल्प identify एंड मैनेज चेंज मैंने जैसे कि पहले कहा था कि इनफॉर्मल चेंजेस भी हो सकती हैं इनफॉर्मल चेंज रिक्वेस्ट हो सकती है ऑरल भी हो सकती है जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं एक ऑफिस के अंदर हैं तो हो सकता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपस में फ़ोन के ऊपर कम्युनिकेट कर रहे हो लेकिन अगेन ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है एवरी थिंग मस्ट भी डॉक्यूमेंटेड तो चेंज को भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए अगर आप जो है रिटर्न uh, जो है प्रोसेस रिटर्न चेंज रिक्वेस्ट होंगी और रिटर्न परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स होंगी रिटर्न परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई करेंगी कि क्या कुछ जो है टास्क कंप्लीट हो गया है और क्या कुछ रहना होना बाकी है और उसमें क्या कुछ चेंज है जिसको अपने एड्रेस करना है तो वो वल के साथ साथ रिटर्न बहुत ज़रूरी है तो रिटर्न परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स जो है वो हेल्प आउट करेंगी हमें चेंजेस को आइडेंटिफाई और मैनेज करने में यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड अदर सॉफ्टवेयर टू हेल्प मैनेज एंड कम्युनिकेट चेंजेस अगेन कि आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा हमें कोऑर्डिनेट करने में और हमें कम्युनिकेट करने में एज कम्पेयर टू कि आप जो है बगैर किसी प्रॉपर uh, टूल या सिस्टम के जो है चेंजेस को कम्युनिकेट करें फोकस ऑन लीडिंग द प्रोजेक्ट टीम एंड मीटिंग ओवरऑल प्रोजेक्ट गोल एंड एक्सपेक्टेशन्स तो यहाँ पे देखें कि प्रोजेक्ट टीम को लीड करें और फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ही शी मस्ट हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑफ द प्रोजेक्ट गोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस जो कि स्टेक होल्डर्स की हैं और उसको प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है वो चेंज परफॉर्म होगी चेंज को एड्रेस किया जा सकेगा नाउ वी टॉक अबाउट द क्लोजिंग प्रोजेक्ट आर फेजस और इसके अंदर किस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं या किस तरह के प्रोसेस होते हैं जो कि फाइनलाइज uh, करते हैं हम किसी भी प्रोजेक्ट फेज को या प्रोजेक्ट को एंड ऑबियसली ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ कंप्लीट uh, करेंगे ये भी हो सकता है किसी प्रोजेक्ट या किसी फेज के अंदर जो क्लोजिंग एक्टिविटीज़ हैं या प्रोसेस हैं कि हम किसी कैंसल किसी वर्क को कैंसिल कर दें क्योंकि सारे प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होते तो किसी स्टेज के ऊपर ये डिसाइड किया जा सकता है कि इस इस प्रोजेक्ट को जो है यहाँ पे स्टॉप किया जाए और इसको कैंसिल कर दिया जाए एनीवेज टू ट्रांसफर द कंप्लीटेड आर कैंसल्ड वर्क ये एक मेन जो है टास्क है मेन एक एक्टिविटी है या प्रोसेस है जो कि क्लोजिंग प्रोजेक्ट्स या फेजेस के अंदर होता है इसकी मेन इनपुट क्या है एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स जो होते हैं जो कि डिफरेंट टीम्स डिफरेंट जो ग्रुप्स काम करते हैं और वो अपने ड्यू टाइम के ऊपर डिलीवरेबल्स जो डेवलप uh, करते हैं वो आपकी इनपुट्स होती हैं और इसके अंदर मेन टेक्निक अगेन एक्सपर्ट जजमेंट है बीइंग एक्सपर्ट यू हैव टू डिसाइड कि अब इसको क्लोज कर देना चाहिए अब ये काम कम्प्लीट हो गया है ये टास्क कम्प्लीट हो गया प्रोजेक्ट इसको वाइंड अप करना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव जो डिसाइड किए थे जो डिफाइन किए थे वो अचीव हो गए और इसकी मेन आउटपुट क्या होगी ऑब्वियसली फाइनल जो आपकी प्रोडक्ट है या सर्विस सर्विस है और मेन आउटपुट इसकी क्या होगी फाइनल प्रोडक्ट आर सर्विस आर रिजल्ट ट्रांसमिशन कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है जिसके अंदर आप जो है कोई रिजल्ट शेयर कर रहे होंगे तो वो उसकी ट्रांसमिशन होगी और प्रोसेस एसेट अपडेट्स प्रोसेस एसेट अपडेट से क्या मुराद है कि वन एवर यू डू सम प्रोजेक्ट आई दर सक्सेसफुली आर इट इज़ कम्प्लीटली फेलियर तो स्टिल यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर और वो आप डॉक्यूमेंट करते हैं जैसे लेसन लर्न रिपोर्ट्स होती हैं और इसी तरह से प्रोसेस से रिलेटेड जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस हैं वर्क प्रैक्टिस हैं उससे रिलेटेड आप उस प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्ट के अंदर अपनी फीडबैक देते हैं और डेफिनेटली वो हेल्प आउट करता है ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी और उस तरह के प्रोजेक्ट के अंदर इन इन फ्यूचर तो वो सारे जो हैं इसलिए हमने उसको कहा कि वो प्रोसेस एसेट होते हैं एसेट अपडेट्स होती हैं ओके नाउ वी समराइज द टूडेज लेक्चर हमने सबसे पहले रिसेंट ट्रेंड्स को डिस्कस किया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आईटी प्रोजेक्ट्स के नाउ वर्ल्ड इज लाइक अ ग्लोबल विलेज ग्लोबलाइजेशन की बात की उसके इम्पोर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस किया और हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे हमने आज जस्ट ब्रीफली इसको डिस्कस किया है कि क्या है ग्लोबलाइजेशन फिर हमने बात की कि आउटसोर्सिंग क्या है जब हम अपना कोई भी टास्क कोई भी सर्विस कोई भी प्रोडक्ट जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो है जाके उसको लेते हैं और इसी तरह से ऑफ़ शोरिंग की बात की फिर, फिर हमने वर्चुअल टीम्स की बात की कि वर्चुअल टीम्स जो है वो क्या होती हैं डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर रिमोट लोकेशंस के ऊपर जब लोग एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं फिर हमने वर्चुअल टीम्स की बात की कि, कि जब डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर लोग एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर टीम मेबर्स काम करते हैं तो वो वर्चुअल टीम्स कहलाती हैं फिर हमने उनके इशूज़ को डिस्कस किया और उसमें मेनली हमने डिस्कस किया कि Uh, कैसे कॉमन वर्क प्रैक्टिस हम डिफाइन करेंगे कैसे उसके उनके बीच में ट्रस्ट को जो है डेवलप करेंगे अच्छा रिलेशनशिप बनाएंगे एक दूसरे के जो है कल्चरल डिफरेंसेस को कैसे हम देखेंगे और प्रोजेक्ट मैनेजर का इसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और इसी में यह भी देखना होगा कि जो वर्चुअल टीम्स हैं उसको कैसे उसको रिवार्ड कैसे दिया जाएगा क्योंकि वो फिज़िकल मीटिंग नहीं हो रही तो ऐसे नहीं हो सकता कि वो आप फिज़िकली ऑफिस में उसको थपकी लगाएं तो मे बी कि आप उसको ई मेल कर दें या एक ओकेजनली आप उसको बोनस दे सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं जस्ट टू मोटिवेट और हर तो इसी तरह से हमने फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स की बात की और उसके अंदर हमने देखा कि डिफरेंट हमारे पास प्रोसेसेस हैं प्रोसेसेस बेसिकली uh, एक सीरीज़ ऑफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं या सेट ऑफ एक्टिविटीज़ हैं टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव और उसमें इनिशिएटिंग प्रोसेस हैं प्लानिंग प्रोसेस हैं एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस हैं मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है एंड देन क्लोजिंग प्रोसेस हैं और इसमें हमने देखा कि जो अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो प्लानिंग के ऊपर ज़्यादा टाइम जो है स्पेंड करते हैं और जब वो प्लानिंग पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स वो एग्जीक्यूशन में टाइम कम स्पेंड करते हैं लेकिन जो बाकी जो रेस्ट ऑफ प्रोसेस हैं इनिशिएटिंग मॉनिटरिंग और क्लोजिंग उसमें भी जो अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं एज कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट मैनेजर्स फिर हमने प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट की बात की और उसके डिफरेंट जो प्रोसेस हैं उसके उसको हमने डिस्कस किया और उसके अंदर जो एक मेन हमने डॉक्यूमेंट देखा दैट वाज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और उसमें हमने कहा कि जो डिफरेंट नॉलेज एरियाज हैं उसको उस उससे इनपुट आती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर हमने देखा एक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंटीग्रेशन मैनेजमेंट के हवाले से भी है वो है चेंज कि कैसे डिफरेंट चेंजेस आकर होती हैं प्रोजेक्ट में और उनको कैसे एड्रेस किया जाए चेंज कंट्रोल बोर्ड की बात की चेंज कंट्रोल सिस्टम की बात की और फिर हमने फाइनली बात की कि कैसे क्लोजिंग हम करते हैं प्रोजेक्ट की या प्रोजेक्ट फेज की Thank you. Allah Hafiz.